तो ये मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को गिव अवे कर दूं, आप में से एक किसी एक को मिल जाएगा ये। किस तरह से पार्टिसिपेट करना है आपको बताऊंगा। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, आपको मेरी लेटेस्ट पोस्ट पे बस कमेंट करना है, जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी। गाइज इतनी तेज हवा चल रही है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बस हवा की आवाज आ रही है। मैंने इतनी बार इंट्रो दे दिया, बट पीछे देखो जय श्री राम का झंडा इतना मस्त लग रहा है ना, लहराता हुआ हवा में, तो इसको देख के मस्त फीलिंग आ रही है। फिलहाल अभी आपने देखे ड्रोन शॉट हमारे नए घर के, और ये देखो स्टूडियो का ना लेंटर पक्का हो चुका है, तो सारी यहाँ पे लकड़ियाँ निकाल दी है, अब यहाँ पे दीवारें बनेंगी। और ये देखो नीचे खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर, ये भी क्या मस्त लग रही है, मतलब फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर लगती है यार, कोई सी गाड़ी ले लो। और जब घर बन जाएगा तो ये गाड़ी खड़ी रहेगी यहाँ पे हमारे नीचे, यहाँ पे ये भी पोर्ट्स भी सारी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेंगी। मस्त भाई, कुछ भी कहो, ओवर प्राइस्ड कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भाई फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है भाई। हर किसी का एक बार ड्रीम होता है कि भाई फॉर्च्यूनर होनी चाहिए हमारे पास में, और मतलब लगती भी है जब जाती है ना भाई, सारे देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी सी गाड़ी जा रही है। बट ओवर प्राइस तो है भाई, मतलब प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी लगती नहीं है, बट जब देखते हैं ना देखने में लगती है बस। फीचर वीचर तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है, कुछ भी कहो, फॉर्च्यूनर लवर्स लाइक कर देना। तो अब चलते हैं घर पे, मैं डेली थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, काफी अच्छा लगता है एकदम, क्योंकि ड्रीम हाउस है ना, यहाँ पे आके ना एक अलग ही फील आता है। आज तो कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है गाइस, कहीं भी चले जाओ सब जगह मिट्टी मिट्टी चली गई है। एक तो घर बन रहा है ना अभी, तो सब जगह धूल धूल हो रखी है, तो पूरे बाल खराब हो गए मेरे मिट्टी से। प्रेमपाल जी और राम सूरज जी आज हमारी बाउंड्री दीवार बना रहे हैं, यहाँ गैस ही रहेगा खाली। हाँ छोटा सा गार्डन बन जाएगा यहाँ पे, वहां से लेकर पूरे यहाँ तक छोटा सा गार्डन, और ये मेन बाउंड्री पूरा ऊपर तक आएगी बाउंड्री, और ये खाली है ऐसी। ये देखो पाइप्स वगैरह भी लग गई हैं भाई, छोटे मोटे बहुत काम होते हैं घर में बहुत, ये भी कवर करनी पड़ेगी गाइज। अभी ना टाइल और पत्थर वगैरह हम इसलिए नहीं लगवा रहे, बिकॉज अभी जो छोटे मोटे काम है ना जो फिटिंग के हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद टाइल और प्लास्टर वगैरह सब कुछ, वुडन का काम और फर्नीचर वगैरह उसके बाद बनवाएंगे हम। तो अब करता हूँ लंच, कढ़ी चावल, हरी सब्जी, मिर्च, आपने खा लिया? और गाइज ये देखो दादाजी ने कौन सी जैकेट डाली है, ये मैंने अपने गाने में डाली थी, तेरा हो रहा हूँ, मैं तो बस तेरा हो रहा हूँ। कनाली, पीयूसी, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा? हैं? ऐसे क्यों बैठा? धूप सेक रहा हूँ। क्यों? कुछ सरप्राइज थी आपको? सरप्राइज दे दे इसका। कौन सरप्राइज? वही सरप्राइज इसका। गई स्कूल से आते ही पीयूष मेरे को चैलेंज कर रहा है PS5 में मॉर्टल में हरा के दिखाऊं इसको, कह रहे मुझे हरा के दिखा दो, हरा दूंगा अभी, हरा दूंगा। ये क्या है? बस खत्म गाइज, मैं हार चुका हूँ, खेलना आ गया। तो गाइज अभी सौरद और मैं ना कुनाली के साथ मिलके एक प्रैंक करने वाले थे, तो गाइज हमेशा ना कुनाली के साथ हम प्रैंक करते हैं और कुनाली हमेशा रोने लग जाता है। तो गाइज आज मैंने प्लान किया है कि मैं उगूंगा कुनाली की साइड, अब मैं कुनाली को पूरा प्लान बना दूंगा हमारा कि हमको क्या प्लान करना था, और मैं कुनाली का साथ देने वाला हूँ। तो कुनाली रेडी? रेडी, चलो चलो। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सौरद के रूम में, वहां पर जो उन्होंने बॉक्स बनाया है ना प्रैंक के लिए, हम उसके अंदर कुछ और डालने वाले, तो दिखाते हैं हम क्या डाल रहे हैं। तो गाइज ये रहा वो बॉक्स जिसमें हमने कुनाली के लिए प्रैंक की चीज रखी है, ये देखो। तो गाइज इसमें ना एक ड्रेस है, ये देखो, जो हम कुनाली को दिखाते और कुनाली रोने लग जाता है ना, कुनाली रोते ना पक्का। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, इस बॉक्स में हम एक आईफोन डालने वाले हैं। तो गाइज ये रहा एक iPhone 13 जो कि हम इस बॉक्स में डालने वाले हैं। तो गाइज ये गया iPhone 13 इस बॉक्स के अंदर। अब कुनाली जब सौरद आपको सरप्राइज देंगे, सरप्राइज के अंदर क्या होगा? तो गाइज अभी सौरद कुछ काम से बाहर गए हैं, जब सौरद आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि कुनाली के लिए प्रैंक के लिए रेडी हो जाओ। कुनाली सुनो, हाँ। आपको ना एकदम नॉर्मल एक्ट करना है, ठीक है? बिल्कुल भी सौरद को बताना नहीं कि हमने ऐसे कुछ करा, ठीक है? बिल्कुल खो जाओ अब जैसे पहले थे, चलो भाग जाओ कुनाली, जाओ अंदर जाओ कुनाली। सौरद प्रैंक के लिए रेडी हो? अभी इनको पता नहीं कि इनके साथ प्रैंक होने वाला है। हाँ बॉक्स रेडी, आओ बस हमको कुनाली को देना है और चिढ़ाना है इसको। आपके लिए आज एक मिस्ट्री बॉक्स है, क्या स्पेशली आपके लिए मंगवाया मैंने, है? चलो चलो बैठो, उधर बैठो, बैठा। कुनाली बहुत स्पेशल बॉक्स है आपके लिए, है? बहुत ही ज्यादा, आप गैस भी नहीं कर सकते भाई, ऐसी चीज है इसमें। अबे ये कहाँ से आ गया? अबे ये क्या है?
अभी वो कहाँ है? क्या है ये? अबे ये क्या है? हम आपने किया है? नहीं तो मेरे को क्या मालूम? बताया तूने इसको? अरे बार बार उलाया थे उस बेचारे को, एक बार उसके साथ भी तो होने चाहिए। भाई मेरे को एकदम ही शॉक लगा आईफोन देखते, मैं कहा यार आईफोन कहाँ से आ गया एकदम से। ये हमारा मिस्ट्री बॉक्स में निकला था, ये देखो ऐसे कैसे ही है अभी तक। तो ये मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को गिव अवे कर दूं, आप में से एक किसी एक को मिल जाएगा। ये किस तरह से पार्टिसिपेट करना है आपको बताऊंगा। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, आपको मेरी लेटेस्ट पोस्ट पे बस कमेंट करना है जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। फर्स्ट टाइम मैं कोई आईफोन का गिव अवे कर रहा हूं, मैं इनको तो नहीं दूंगा बट हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं सोचा गिव अवे कर देते हैं। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपको लिंक पे क्लिक करना है, मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और जो लेटेस्ट पोस्ट होगी ना उस पर आपको कमेंट करना है बस कि आपको क्यों चाहिए। फिर मैं एक रैंडमली यूज करूंगा, एक को ही मिल सकता है गाइस। अब ये मैं सोचा कि अगर कोई जीत नहीं पाया तो मैं एक को ही दे सकता हूँ, और जिसको भी दूंगा मैं बताऊंगा और खुद दूंगा अपने हाथों से। तो चलो जरूर पार्टिसिपेट करना। मम्मी और अम्मा हरी सब्जी काट रहे हैं, बटन दबाओ। दबाओ ऐसे दबाओ ना। फेंक क्यों दिया? गंदा लगा। क्या हुआ? दिल तक गया पूरा। मत करना, क्यों कर रहे हो? मन लगो। मैं आप क्यों नहीं कर रहे? मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। अरे खोलो, दबाओ ना पूरा। उधर पैर लाया, आप फोन उठा लाना। चाची ने फेंक दिया यार, सिस्टम छन्नू इधर हाथ में। गाइस इस तरह की कोई भी यूनिक चीज मुझे मिलती है ना मैं ले लेता हूँ फैमिली को दिखाने के लिए और प्रैंक करने के लिए। तो ये तो मेरे लिए काफी यूनिक था बिकॉज फोन के अंदर करंट ही तो मैंने पहले कभी देखा था, वो भी आईफोन के अंदर करंट। तो ये फेक आईफोन है, इसमें जो बटन है ना इसको दबाते हैं ना तो एकदम शॉक लगता है। तो मैं इस तरह की ना सारी चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ प्रैंक वाली, मेरे बहुत सारी चीजें हो गई अब तो। गाइस हमारे ब्लॉग में सिर्फ हरी सब्जी दिखती है रोज, रोज हरी सब्जी काटते हुए, क्योंकि बनती रोज बनती है ना हमारे हमारे घर में रोज। मम्मी जी आपको पता है ये आप लोगों की लास्ट जनरेशन है, ऐसी लास्ट जनरेशन मेरे, इसके बाद ऐसी जनरेशन नहीं होगी। आप पूरे ट्रेडिशन में रहते हो, आपने बिंदी भी लगा रखी है, टीका भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, बट आजकल की लड़कियां नहीं लगाती ना। मैं तो छोड़, अम्मा देख, अम्मा अभी बूढ़ी है तो अम्मा ने भी लगाए। नहीं मैं भी कह रहा हूँ आपकी लास्ट जनरेशन है ये, वही तो कह रही हूँ। उसके बाद ये सब मतलब खत्म होते जा रहा है हमारा जो ट्रेडिशन है ना। तो इसी बात पे मुझे मम्मी अम्मा और चाची को थैंक यू बोलना है हमारी इतनी केयर करने के लिए, बिकॉज हम घर में टोटल 10 लोग हैं और मम्मी और चाची मिलके सबकी केयर करती है और बहुत अच्छे से केयर करते हैं। अपने बारे में सोचते हैं कभी भी कि हमको ये चाहिए, हमको ये करना है, हमको ये करना है। तो ये मैं ये वाली जनरेशन कह रहा हूँ, मैं ये जनरेशन लास्ट है। इसके बाद जो भी लोग आएंगे ना वो उनके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने अपने वो होते हैं, बट मम्मी चाची और अम्मा का ऐसा कुछ नहीं है, इनको बस केयर करनी है। तो ये वाली जो इनोसेंट मम्मी वाली जनरेशन है ना ये लास्ट है। तो मैं काफ़ी लक्की फील करता हूँ कि हमारे ऐसे हैं। अम्मा तो सब्जियाँ उगा के खिला रही है हमको। वो देख, वो धनिया देख, तो गमलों में धनिया बो दिया, देख जम गया, जम भी गया धनिया। ओ भाई इतनी प्यारी और स्वीट अम्मा है हमारी, थैंक यू अम्मा। बोले ऐसी अम्मा सबको मिले, ऐसी अम्मा सबको मिले। अब क्या मिले, अब तो पहले से होगी ना उनके पास मिले। अब तो अब करते हैं डिनर, रोटी पेठे की सब्जी आलू मस्त। इतना मत लगाओ, इतना मतलब टपक जाएगा सारा, टपक जाएगा सारा। नहीं टपकेगा बेटा, दोनों को ऐसे करेंगे। चलो तो ये है डिनर, डिनर हो चुका है। अब फिलहाल मैं कर रहा हूँ एडिटिंग और इसलिए करता हूँ एंड। और गाइज याद रखना आईफोन का गिव अवे है, तो जरूर पार्टिसिपेट करना। इंस्टाग्राम पे पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली पोस्ट को अपने कमेंट करना है। तो चलो फिलहाल इस प्लान करता हूँ, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैं भी कमेंट करूंगा तब तो मिल जाएगा ना। और हाँ इसमें फ्रेंड्स और फैमिली वाले इंक्लूड नहीं होते हैं, ये बात मैं पहले बोल देता हूँ। ये मैं सोचता कि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वालों को, अपनी फैमिली में किसी को दे दूंगा, ऐसा नहीं है गाइस, जेन्युइन सब्सक्राइबर को ही दूंगा।